तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन जैसा कि आपको पता है G20 समिट चल रही है और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी बड़ा है वहां पर फोकस किया जा रहा है, और उसी को लेकर एक शानदार अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर G20 एग्रीज टू परस्यू ट्रिपलिंग रिन्यूएबल्स कैपेसिटी बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ मेजर गोल्स, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है G20 समिट के अंदर। और जो यहाँ पर न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है, 2030 तक पूरी तरफ से जो ट्रिपल रिन्यूएबल टारगेट्स हैं उसे अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो ये काफ़ी शानदार अपडेट्स हमें आते हुए देखने को मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कंपनी का IPO आते हुए हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते एक और IPO आते हुए देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते सुजलॉन और बाकी शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ओके हो गई है 3760 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। किस चीज़ को? 40% ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर 4000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसी के चलते हमें ये शानदार न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। वहीं REIRED इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने IPO के लिए यहाँ पर पेपर SEBI के पास में फाइल कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर कंपनी ला रही है इस IPO के थ्रू। तो ये भी एक काफ़ी शानदार अपडेट्स हमें आते हुए देखने को मिल रही है। तो कल के दिन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स, चाहे सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर, अडानी ग्रीन, ये भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में होने वाले हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखने के आसार है। और साथ ही साथ सुजलॉन के अंदर अब हमें एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है, जिसके चलते शेयर्स अब हमें अराउंड 22 से 23 रुपये तक यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल सकता है। एक बार यहां पर गया तो उसके बाद में अगेन यहां पर एक ब्रेकआउट बनेगा और 30 रुपये तक शेयर हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है।